equal space data. ये हमारा सर टॉपिक है जिसके अंदर हम नंबर वन लैग्रांज करेंगे, लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। असल मकसद क्या होता है इसका कि कुछ डाटा पॉइंट्स आपके पास दिए जाते हैं, उसे हम एक पॉलीनोमियल डेवलप करते हैं, तो उसका नाम हमारे पर लैग्रांज है। तो पॉलीनोमियल मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि से वी हैव एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन अप टू सो ऑन एक्स आई वाई आई एंड सो ऑन अप टू एक्स एन वाई एन बी हाउ मच पॉइंट्स एन प्लस वन पॉइंट्स। नोट्स में दे दूंगा ये एन प्लस वन पॉइंट, देखो ना एन तक जा रहा है जीरो भी शामिल है, एन प्लस वन पॉइंट्स। तो इससे जो हमारे पर पॉलीनोमियल बनेगा उसकी डिग्री एन होगी, इससे क्या होगा एक डिग्री कम होता है, जितने पॉइंट्स होते हैं उससे एक डिग्री कम का पॉलीनोमियल, मैक्सिमम पॉलीनोमियल की डिग्री जो होगी वो यहाँ पे पी एन एक्स ये किसके इक्वल होगा। मैं सिंपली अगर आपको ये लिख दूं दिस इज एल आई एक्स इन टू वाई आई समेशन आई इक्वल टू जीरो टू एन, ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आई आई वाई आई को एफ आई में कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है क्योंकि फंक्शन जो होता है कि वाई आई वाई इक्वल टू फंक्शन एफ की होता है, ठीक है ना। तो उसको शॉर्टकट तौर पे हमने वाई आई लिख दिया, आप एफ आई भी लिया, यानी एफ ऑफ एक्स आई या एफ लिख जो मर्जी, तो ये दोनों चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एल एक्स आई एल आई एक्स और वाई आई ये क्या चीज़ें हैं, ये हमने कहाँ से लेनी। अगर आप डाटा पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास वाई आई गिवन है वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई आई वाई एन अप टू ये सारी वैल्यूज दीज आर गिवन टू यू वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर। यानी अगर हम इसको यूं कर लें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि सम को खत्म कर देता हूं, मिसाल के तौर तो ये क्या बनेगा फॉर एल इक्वल टू जीरो तो दिस विल बी इक्वल टू एल नॉट एक्स वाई नॉट प्लस एल वन एक्स वाई वन प्लस सो ऑन एल एन एक्स वाई एन, ये असर बनता है। तो एल आईज की वैल्यूज क्या होती हैं, यहां से सबसे पहली बात एल नॉट एक्स क्या होगा, अगर हम ज्यादा जनरल मेथड चल रहा है तो एल नॉट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन, ये वैल्यू समझ कैसे कि एल नॉट है तो ऊपर हमारे पास एक्स नॉट नहीं सब्ट्रैक्ट होगा और नीचे जो है एक्स नॉट में से सारी हुई वैल्यू सब्ट्रैक्ट जो ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद आगे लेके चले तो हमारे पास एल वन ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, एल वन ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस, अब एक्स नॉट आएगा लेकिन एक्स वन नहीं आएगा बल्कि एक्स टू आ जाएगा एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि वन है तो एक्स वन में से सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं, दिस माइनस नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू, वन ही होगा वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स वन माइनस एक्स एंड सो ऑन। मैं जरा एक एल आई को भी लिखने लगा हूँ,
ताकि आपको जरा जनरलाइज करना आसान हो, तो x माइनस x नॉट, x माइनस x वन कहाँ तक जाएंगे, x माइनस x n माइनस सॉरी x i माइनस वन, फिर x माइनस x i प्लस वन, क्यों i नहीं आ सकता, i वाला तो हम कर रहे हैं, तो ये आ गया एंड सो ऑन x माइनस x n डिवाइडेड विद, क्या करेंगे x i में से सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो क्या हमारे पास x i माइनस x i नॉट x i, भाई आवाज आ रही है ठीक? यस सर यस सर यस, थैंक यू वेरी मच, माइनस वन x माइनस x i प्लस वन और सो ऑन x माइनस x n, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हमने क्या करना है, n के लिए वैल्यूज अब चाहिए हमें, तो एंड सो ऑन, एल एन एक्स, x माइनस x नॉट, x माइनस x वन, x माइनस x n माइनस वन तक जाएंगे, n नहीं आएगा क्योंकि उसको तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x n माइनस x नॉट, x n माइनस x वन, अगर मेरी मोटारी पेज भी